अज तो लगभग 4.5 अरब साल पहले जदों साडी धरती बनी सी उदों साडी धरती दा कोई भी चंद नहीं सी, पर उस तो बाद एक बहुत बड़ा एस्ट्रोराइड धरती दे नाल टकराया, जिस तो बाद धरती अते उस एस्ट्रोराइड दे लखां करोड़ां टुकड़े ब्रह्मंड दे विच फैल गए, जिस दे विचों कोई टुकड़े तां ब्रह्मंड दे विच चले गए ते कुछ वड्डे टुकड़े धरती दी ग्रेविटेशनल फोर्स दे कारण धरती दे आले दुआले ही घूमन लगे ते सारे वड्डे टुकड़े घूमदे घूमदे एक जगह ते इकट्ठे हो गए, जिस दे नाल चंद्रमा दा निर्माण होया। उही चंद जिहड़ा कि साडी धरती दा इक उपग्रह है। यही चंद्रमा बारे बहुत सारे रोचक तथ्य ने जो तुम पहला कदे नहीं सुने होंगे, सो जुड़े रहो मेरे ना। मैं हाँ तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो जोड़ टीवी। साडे विच ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि चंद गोलाकार है, पर असल दे विच चंद गोलाकार नहीं है, इसकी शेप अंडाकार है। अजिहा इसलिए होया क्योंकि जो चंद बनया सी ये बिल्कुल गोल सी, पर हौली हौली धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नाल ये अंडाकार हो गया। अज तक चंद के उपर 12 इंसाना ने पैर रख्या है, जिस दे विचों सब तो पहला चंद उपर जाने वाले इंसान सन नील आर्मस्ट्रोंग, जिहड़े कि 1969 दे विच चंद ते गए सन। सब तो आखिर ते चंद उपर जाने वाले इंसान सन ईगल सेरमैन, ये 1972 दे विच चंद ते गए सन। इन्हां तो बाद अज तक भी कोई इंसान चंद ते नहीं गया। साढ़े चंद का एवरेज डायामीटर 3475 किलोमीटर है, जिसके आधार से चंद साढ़े सूरज मंडल का पांचवा सब तो बड़ा उपग्रह है। साढ़े सूरज मंडल का सब तो बड़ा उपग्रह जुपीटर का है, इसका नाम गाइमेड है। जदों असीं धरती तो सूरज या चंद नूं देखदे हां तां सानूं इह दोवें इक्को साइज़ दे दिखाई दिंदे ने, असलियत दे विच चंद दे नालों सूरज करोड़ां गुणा वड्डा है। मैं तुहानूं इह फोटो दिखाउणा हां जिस नूं देख के तुसीं समझ जाओगे। इस दे विच इह सूरज है, इह धरती है ते जिहड़ा छोटा जिहा है इह चंद्रमा है। इत्थों तुसीं समझ ही सकदे हो कि सूरज किन्ना वड्डा है। चांदनी रात नूं चंद जिन्ना प्रकाश यानी कि लाइट धरती दे उपर भेजदा है, ते जेकर असीं उन्नी ही लाइट वाले 3 लाख चंद धरती दे आले दुआले लगा दईए तां धरती दे उपर जिन्नी दुपहर दे 12 बजे रोशनी हुंदी है उन्नी रोशनी ही रात दे 12 बजे हो जाएगी। चंद्रमा हर साल धरती तो 1.5 इंच दूर जा रहा है। जो चंद्रमा का निर्माण होया सी उदों यह धरती तो सिर्फ 22,000 किलोमीटर दूर सी, पर अज यह साढ़े तो 3,84,400 किलोमीटर दूर जा चुकिया है। 600 मिलियन साल बाद चंद धरती तो इन्ना ज्यादा दूर चलिया जाएगा कि यह धरती तो सानू एक तारे की तरह ही दिखाई देगा। तुसी कई बार बीच के उपर गए होवोगे तो तुसी शाम नूं भी बीच का नज़ारा लिया होगा, पर की तुसी उत्थे एक चीज नोट की है कि दिन भर बीच के उपर समुद्र दीयां लहरां काफ़ी शांत रहिंदियां ने, पर जेकर तुसी बीच से रात नूं 9 तो 10 दे विचकार जाओगे तो तुसी बीच के उपर हाई टाइड यानी कि काफ़ी उच्चियां लहरां नूं देखोगे। इसका कारण होंदा है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा चंद की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पैदा होंदा है। चंद की ग्रेविटेशनल फोर्स धरती नूं अपने वल खिंचदी है, पर वो इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होंदी कि धरती की किसी भी ठोस चीज़ नूं अपने वल नूं खिंच सके, पर चंद अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स दे नाल पानी दे विच हलचल पैदा करन च कामयाब हो जांदा है, जिस दे कारण ही समुंदर दे विच रात नूं लहरां उठदियां हन। चंद का रात को टेंपरेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसका दिन का तापमान जो चंद के उपर सूरज की रोशनी पैंदी है तो वह +127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने तुम समझ ही गए होवोगे कि 100 डिग्री से तो पानी उबलन लग जाता है तो 127 डिग्री कितना ज्यादा होगा। धरती के 29 दिन ते चंद का 1 दिन दोवें बराबर ने, यानी कि चंद के उपर धरती के 29 दिन का 1 दिन बनता है। जो असीं धरती तो आकाश नूं देखदे हां तां ओह स्काई ब्लू कलर यानी कि नीले रंग का दिखाई दिंदा है, पर जेकर तुसीं चंद ते जाके उपर आसमान वल नूं देखोगे तां ओह तुहानूं नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देवेगा। इसका कारण यह है कि चंद का कोई अपना एटमोसफेयर नहीं है जिस दे कारण उस दे आकाश का रंग काला दिखाई दिंदा है। असीं चंद के सिर्फ 60% हिस्से नूं ही देख सकते हाँ, पर 1969 दे विच रशिया दे एयरक्राफ्ट लूना 3 ने इस दे 40% वाले हिस्से का पहली बार फोटो लिया सी, जिस दे कारण दुनिया पहली बार चंद के 40% वाले हिस्से नूं देख सकी सी जिहड़ा कि इस तरह का दिखाई दिंदा है। तुहानूं चंद्रमा दे विच बहुत सारे दाग ते धब्बे दिसदे होणगे, पर की तुसी कदे इह सोचिआ है कि इह किस तरह बणे हन। अज तों लगभग 3.8 अरब साल पहलां बहुत सारे एस्ट्रोराइड चंद दे नाल टकराए सन, जिस दे कारण पूरे चंद दे उपर बहुत सारे टोए पै गए। चंद दा सब तों वड्डा टोआ जिस दा नाम एटकन है, इस दी चौड़ाई 2,000 किलोमीटर है, मतलब कि मुंबई तों कलकत्ता। चंद दे उपर कोई एटमोसफेयर ना होण करके इस ते आए दिन उल्का पिंड डिगदे रहिंदे ने। साडी धरती की ग्रैविटी के मुकाबले चंद की ग्रैविटी 1.6 है, मतलब जेकर तुहाडा भार धरती के उपर 60 किलो है तो चंद्रमा से जाके यही तुहाडा भार 10 किलो रह जाएगा। अपोलो शटल उस टाइम चंद के उपर लैंड करवाउण दे लई जिहड़े कंप्यूटर नाल ओपरेट किया गया सी उसदे नालों दुगना स्ट्रोंग ते एडवांस तुहाडा स्मार्टफोन है जिस के उपर तुसीं इह हुण वीडियो देख रहे हो।
ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਠੰਡ, ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਝੁਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਝੁਕਾਅ ਚੰਦ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਦ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕਦੇ 23 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਦੇ 85 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਦ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਝੁਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਕਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਜੀ ਕੁਝ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਚਕ ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜੋਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।